दादा सामने बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा वीडियो तो सब किसका मालूम नहीं पड़ा किसका अच्छा लगा सब अच्छा लगा पूरा कॉम्बिनेशन दबा के और पकड़ के लगा मेरे बोलो अंत में मत आ मेरे बात बहुत ऊंचा बहुत अच्छी पिक्चर बनाया है बिल्कुल देखना जरूर देखना ऊंचा बनाएगा सवाल कौन पूछ रहा है किसका ये सब लोग पूछेंगे सेंटर लोग बारी बारी से पूछिए आज़ाद बहुत अच्छी है और आज़ाद देखने के बाद जो एकमात्र अफसोस मुझे ये हुआ कि मैं इस फिल्म में क्यों नहीं हूँ छोटी सी फिल्म है लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्म है बहुत टाइमली फिल्म है आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही अहम फिल्म है Everybody is wonderful. Everybody is wonderful. Of course, at the face of it, there is Atul and there is Sakshi and there is Siddharth. But at the same time, the film has been made with such a talented, wonderful team. Of course, Rahul, the director who has written it also, he's splendid. It's his first film. I can't believe it's his first film. And the cameraman. I haven't seen a camera work like that in big feature films. He's absolutely wonderful, and I think he would go a long way. आजाद की बात हो रही है तो हमारे देश में ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको आजादी चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं अभी तो फिलहाल इससे आजादी चाहिए. मैंने मुझे चार सवाल बोला था मैंने पांच के जवाब दे दिया फिर भी आजाद नहीं हूँ. नहीं आप आज़ादी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि ये फिल्म जो है उसी बारे में है. बहुत सारी कुरीतियां हैं हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब समस्या का रूप ले चुकी हैं. उन सारी चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए. अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमें ऐसा आज़ाद समाज नहीं छोड़ना चाहिए जो कि बहुत ही संकुचित है बहुत ही कुंठित है और बहुत सारी कुरीतियों से जकड़ा हुआ है. तो उन सब की बातें तो करती है फिल्म. इसके अलावा ये राइटर्स को एक आप कह सकते हैं कि सल्यूट है उनको एक ट्रिब्यूट है कि उन सारे लेखकों को जिनको खामोश कर दिया गया और जिनकी बात को दबाया जाता है किसी भी आर्टिस्ट को उस आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है ये फिल्म. एंड आई सपोर्ट अरे भाई इस फिल्म के बारे में पूछिए ना ये तो दूसरी मैगजीन की बातें पूछ रही हैं. आप मुझे इस फिल्म के बारे में पूछिए मैं इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है. मैं इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इतने कठिन जटिल सवालों का जवाब दे सकूं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. यस आपने सही कहा कि मैं बहुत दिनों के लिए के सामने मीडिया के सामने आई हूँ बट ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं यहाँ पे दो रीजंस के लिए हूँ बॉम्बे में बिकॉज मैं साउथ में काफ़ी फिल्में कर रही हूँ. सो टू ऑफ माई फिल्म्स गॉट रिलीज दिस ईयर और अभी एक तीसरी फिल्म है रिलीज़ होने वाली है. तो एक तो हमारी मराठी फिल्म जो है वेंटिलेटर उसका ट्रेलर लॉन्च था. सो इट्स विद आशुतोष गवारकर. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई सिस्टर द कम्प्लीट प्रोडक्शन हाउस एंड स्पेसिफिकली माई मामी बिकॉज वो उनका बहुत ज़्यादा एफर्ट है उस फिल्म में. एंड ऑब्वियसली टुडे आई एम हेयर टू अटेंड द स्क्रीनिंग ऑफ आज़ाद. मेरे फ्रेंड नावेद की फिल्म है और उनकी पहली फिल्म है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड जस्ट गॉट टू नो इट्स बीन प्रेजेंटेड बाई मीरा नायर जी एंड आई एम अ बिग फैन. सो येस मच लुकिंग फॉरवर्ड. एंड मेरे काम के बारे में ये है कि आई एम डूइंग अ पूरी जगन्नाथ फिल्म. टू ऑफ माई फिल्म्स गॉट रिलीज इन साउथ एंड नाउ दिस इज अ बिग बजट एंड ब्लॉक. आई होप दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉक बस्टर फिल्म. सो मच लुकिंग फॉरवर्ड.
Azadi, it should be in thoughts, and I think our country needs it much at this point of time, because I think her parent ko apne bachcho ko support karna chahiye, and jo bhi hum unke azad thoughts hai unko support kare career wise, may be like initiative of like teaching them, or you know, whatever career choices they want to make. So that is Azadi for me. जी मतलब भारत का नाम रोशन किया था जी. देखिए प्रियंका और मेरे बीच में जो कंपैरिजन होते रहते हैं, आई थिंक होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज मेरी एक अपनी जर्नी है. आफ्टर जिद आई मूव टू साउथ, एंड अभी मेरी कुछ थर्ड रिलीज होगी, सो आई एम बिजी इन देयर, एंड देयर कैन नॉट बी कंपैरिजन, बिकॉज शी इज इन द ट्रेड फ्रॉम द पास्ट मेनी ईयर्स, और मेरे को अभी इंडस्ट्री में आए एक या डेढ़ साल हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं चार प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ एक डेढ़ साल में. So I'm very happy, and I don't think there is any comparison. I'm very happy for my sister, and so is she about me. Thank you so much. Thank you.